होता है यानी कि स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के बाद में जो होता है बेल्ट्स होते हैं और हमारे आउटपुट्स निकलते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी क्रशर के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। प्राइमरी में आपका टनल आता है, टनल्स के बाद में कोन क्रशर या सेकेंडरी क्रशर आता है, उसके बाद में स्क्रीनिंग पोर्शन चालू होता है। तो उस पोर्शन से अभी कभी कभी जो क्रशर्स होते हैं उसमें 2 डेक्स होता है, 4 डेक्स स्क्रीनिंग होता है। तो 2 डेक्स का मतलब क्या होता है, 4 डेक्स का मतलब उससे क्या, स्क्रीनिंग से कैसे तरीके से आउटपुट निकाला जाता है, इस तरीके का ये वीडियो है। तो नमस्ते युवराज भाई। नमस्ते नमस्ते। तो युवराज सर, सबसे मेन जो है ये जो हम लोग अभी देख रहा है, पहला जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये कौन सा है? ये 2 डेक्स स्क्रीन है। हाँ, 2 डेक्स स्क्रीन का मतलब हो गया, जैसे नीचे जो स्क्रीन के नीचे जो डक दिया हुआ रहता है, हाँ, उसमें से आउटलेट कितना है, हाँ, मतलब होते हैं 2 डेक। हाँ, तो उसका जो आउटलेट डक है वो 2 है, तो इसलिए ये 2 डेक में कहा जाता है। ओके ओके, 2 डेक्स में से 3 आउटपुट निकलना चाहिए ना, एक रिटर्न का पकड़ के। रिटर्न में तो हाँ, एक ही मटेरियल रहता ओके, है। ओके ओके, ये जो दिख रहा है हम लोग आपको, ये जो दिखा रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन के लिए ये पुली होता है, उसी से वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के बाद में जो क्रशिंग मटेरियल है वो नीचे आता है। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2 एक स्टेबल पोर्शन है, नीचे का जो इसका जो चेसिस के साथ में लगा हुआ है ये स्टेबल पोर्शन है, और स्प्रिंग के ऊपर की जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीनिंग पोजीशन, तो ये जो है ये मूवेबल पोर्शन है, ये वाइब्रेशन इसी के लिए होता है कि इसमें काउंटर वेट आप लोग देख सकते हैं, ये काउंटर वेट जोर से घुमाता है, और ये जो शाफ्ट आप लोग देख सकते हैं पुली का, ये अंदर से लेके पूरा बाहर तक होता है, उसी से वाइब्रेशन होता है और से स्क्रीनिंग होता है। तो युवराज सर, सबसे मुझे पहले ये बताइए, ये जो पहला जो 2 डेक स्क्रीन है, इसमें कौन से एमएम के जनरली साइजेस लगे होते हैं? अभी आप समझो कौन में से आप क्रशिंग करके 2 डेक में ले रहे हो। हाँ, तो समझो आपको जो भी साइज है 32 mm के नीचे का ये मटेरियल होना आपको। ओके ओके ओके, तो आप 32 mm का लगा सकते हैं, और जो भी हो 32 mm का जाली में से जो पासिंग है वो आपको VSI में ले सकते हैं। VSI में ले सकते हैं, और जो भी उसका अंडर पासिंग है वो वापस रिटर्न ले सकते हैं। रिटर्न ले सकते हैं, जो ओवर साइज है वो रिटर्न ले सकते हैं हम लोग। ओके, अभी मेरे मुझे ये बताइए कि स्क्रीनिंग में जो आखिरी का जो होता है, यानी कि अभी ये 2 डेक्स में 2 डेक स्क्रीन है, इसमें जो आखिरी का ये आउटपुट है, ये आउटपुट कौन सा है? अभी ये जो आउटपुट है, आप ओवर साइज जो मटेरियल है, हाँ, अंडर पासिंग मटेरियल, आपको जरूरत पड़ेगी साइड पे तो आप बाहर निकाल सकते हो। ओके ओके ओके, नहीं जरूरत पड़ी तो आप रिटर्न में ले सकते हो। हाँ हाँ, और डेक स्क्रीन का जितना अंदर में पोर्शन होता है उतना मटेरियल फाइन होता है, और जितना बाहर के साइड में होता है उतना बड़ा मटेरियल होता है के साइड में। जैसे कि आप लोग अभी देखते हैं, तो जो इसमें जो आउटपुट निकाला जाएगा तो वो उसका जो साइजेस होगा वो कम साइज होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर का जो ए डेक्स में से जैसे मटेरियल आएगा, तो ये जो पहला जो पोर्शन से जो आउटपुट निकला है ये सबसे फाइन होगा, उसके बाद में दूसरा जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा उससे यानी कि ओवर साइज होगा, और सबसे लास्ट में आउटपुट का होता है। तो ये जो 4 डेक्स है युवराज सर, तो 4 डेक्स में और 2 डेक्स में क्या फर्क है? अरे 4 डेक में बोले तो अभी 4 डेक अगर यूज में लेते हैं, हाँ, VSI के नीचे ले सकते हो, 2 डेक VSI के नीचे नहीं ले सकते। ओके ओके ओके, VSI का जो मतलब ही है कि उसमें से आप 20 mm 25 mm और क्रश सैंड निकाल सकते हो, okay, और डस्ट भी निकाल सकते हो, तो okay, उसके वास्ते आपको 4 डेक स्क्रीन ही लगाना पड़ेगा। ओके okay. और इसमें जो मोटर्स दिया है वाइब्रेशन के लिए, इसमें कुछ फर्क होता है इसका वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन मोटर अभी अभी इसके आपका लोड बोलते हैं, हाँ हाँ, इसे आपको 20 HP का मोटर जरूरत है। ओके ओके, के ऊपर आप 15 HP का मोटर लगा सकते हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी इसमें से जो आउटपुट है ये कौन कौन से आउटपुट आप बता सकते हैं? तो ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये आपका 4.75 का मटेरियल है, हाँ, यानी कि जिसे हम क्रश सैंड हम से बोलते हैं, क्योंकि कौन के ये आया है, तो ये पहला मटेरियल क्रश सैंड का, सेकंड जो मटेरियल है
सेकंड मटेरियल जो है वो आप 6 mm का निकाल। हाँ, ये 6 mm का आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही मटेरियल आएगा तो पहले सबसे फाइन मटेरियल आ गया, उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा मटेरियल आ गया, इसके बाद में ये जो तीसरा जो है 20 और 25, ये 20 और 25 mm का ये हो गया, और उसके बाद में ये हो गया आपका आखिरी प्योर पौना का, यानी कि 25 mm का। ओके, तो इस तरीके से ये सब सिस्टम्स होता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग में सबसे मेन बात होता है कि आपका जो सबसे स्टार्ट में होता है फाइन मटेरियल होता है, फिर बाद में मटेरियल जो होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा जाली स्क्रीन में जो है साहब ऊपर टॉप लेवल पे और सही जाली लगाना पड़ेगा सबसे ऊपर में स्क्रीन में टॉप में। हाँ, उससे हाँ, यानी कि सबसे ऊपर जो होती है वो सबसे बड़ी जाली होती है, और उसके बाद में जो जालियाँ होती है वो कम कम होते होते नीचे की साइड में आती है, और वो जैसे ही उसका अगर आपको 4.5 मटेरियल चाहिए तो हमको जाली कौन सी भी डाल सकते हैं हम लोग। तो आपको 4x75 की जाली 75 का आपको माल